अमिताभ बच्चन का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है फैमिली के बीच बड़ी ही खास अंदाज में। स्पेशल बर्थडे ऐश्वर्या का रहा इस साल और ऐसा ही स्पेशल बर्थडे आज मनाया जा रहा है बहुत खास तरीके से शाहरुख खान का। खैर, शाहरुख और ऐश्वर्या की दोस्ती से भी सब वाकिफ है, लेकिन कभी शाहरुख ऐश्वर्या की दोस्ती में भी आ गई थी दरार जब शाहरुख ने ऐश्वर्या को अपनी फिल्म से निकाल कर ले लिया था ऐसा फैसला जिसका उन्हें रहेगा जिंदगी भर पछतावा। लेकिन शाहरुख की तो एक फिल्म की बात हुई, ऐश्वर्या ने कई फिल्मों से अपने आप को खुद बाहर किया। ऐश्वर्या के वो घमंड जिसकी वजह से उनकी बर्बादी की शुरुआत हो गई थी, फिल्मी करियर की बर्बादी ऐसी हुई कि उससे वो कभी उभर नहीं पाई। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, 10 ऐसी फिल्में हैं जिससे ऐश्वर्या ने अपना कदम पीछे किया और इसका फायदा मिला। बाकी उन एक्ट्रेसेस को जिनसे आज उनकी एक भी नहीं बनती, बात कर रहे हैं हम करिश्मा कपूर से लेकर रानी मुखर्जी की। ऐश्वर्या जाने अनजाने में इनको कैसे फायदा करा बैठी, आज आप जानेंगे हमारे स्पेशल प्रोग्राम में, यानी कि बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में। दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति इस वक्त लेकर आई हूँ ये बेहद स्पेशल प्रोग्राम जहां हम करेंगे बात ऐश्वर्या राय बच्चन के फिल्मी सफर के दौरान उनसे हुई गलतियों के बारे में, जो कि उनके एगोइस्टिक नेचर कहें या फिर एटीट्यूड कहें, गलत एटीट्यूड डिसीजन मेकिंग को लेकर जिसके कारण उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ा। आइए इस बारे में जानते हैं फुल डिटेल स्पेशल एपिसोड के जरिए। ऐश्वर्या राय बच्चन अपना जन्मदिन किस तरह मना रही है, सवाल हर किसी के जहन में था जब बीते कल की शाम अपने जन्मदिन के बाद उन्होंने पूल साइड की तस्वीरें शेयर की तो सवालों का जवाब भी मिल गया। खैर, आज हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे ऐश्वर्या अपने बर्थडे पर अपनी बेटी आराध्या और अपने हस्बैंड अभिषेक के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आई थी। ऐश्वर्या जिनकी फिल्मी सफर एक बफर से नए मोड़ पर आ गई है, सब जानते हैं कि ऐश्वर्या पोनी एंड सेल्वन उनके साथ दोबारा बॉलीवुड के पर्दे पर लौटने को तैयार है। खैर, आज ऐश्वर्या राय बच्चन के बर्थडे के बाद पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन पर कुछ बातें बताएंगे वो 10 फिल्मों के बारे में जिसे छोड़कर ऐश्वर्या बर्बाद हुई, जिन फिल्मों की वजह से ऐश्वर्या की करियर नीचे की कगार में आई और बाकी अभिनेत्रियों की करियर बनकर आगे बढ़ती चली गई। 10-10 बड़ी बड़ी फिल्मों को छोड़ना बहुत बड़ी भूल तो हो सकती है, लेकिन हर फिल्म में ऐश्वर्या ने खुद अपना कदम पीछे नहीं किया। कुछ फिल्मों से उन्हें निकाला गया, कुछ फिल्मों को लेकर उनकी कॉन्ट्रोवर्सी हुई और कुछ फिल्मों से वो खुद ही बाहर गई। शुरुआत करेंगे हम फिल्म कुछ कुछ होता है से। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है में रानी मुखर्जी वाले रोल को ऐश्वर्या राय बच्चन को दिया जा रहा था, लेकिन कुछ कारण ऐश्वर्या इस फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल होने से मना कर बैठी। फायदा हुआ रानी मुखर्जी को। इस फिल्म में रानी शाहरुख के अपोजिट इतनी पसंद की गई कि उनकी करियर एक कदम और आगे बढ़ चल गई और ऐश्वर्या को जो फिल्में मिली वो फिल्में ऐश्वर्या को पसंद नहीं थी। अपने फ्लॉप इंस्टाग्राम डेब्यू से ऐश्वर्या राय बच्चन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कहा जाता है कि परेशान भी है। ये कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि सब जानते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपने आप को बहुत अलग तरीके से पेश भी करती है। खैर, यहाँ पर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में इस बारे में बताना चाहेंगे, अपनी बेटी के साथ फैंस के बीच हमेशा इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करने वाली यहाँ पर जो बात अगर की जाए ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में तो सब जानते हैं इसकी वजह क्या है। सब जानते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी फिल्म में सफ़र को पूरी तरह से मेंटेन अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण उन्हें और भी कई परेशानियां हो रही हैं। खैर, यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे वीर ज़ारा फिल्म के बारे में। अब वीर ज़ारा फिल्म जो कि यश चोपड़ा की फिल्म है, इसमें रानी मुखर्जी वाला किरदार पहले ऐश्वर्या को ही ऑफर हुआ था। एक बार फिर ये खबर आई है ऐश्वर्या राय बच्चन ने ये किरदार नहीं किया और रानी मुखर्जी की करियर बन गई। जी हाँ, ऐश्वर्या का नुकसान और रानी को फ़ायदा होता ही चला गया। ऐश्वर्या राय बच्चन के घमंड ने कि वो ये फिल्में करने को तैयार नहीं, उनके इन्हीं घमंड की वजह से वो पूरी तरह से बर्बाद ही हुई। बाजीराव मस्तानी फिल्म की बात
करेंगे संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है। इस फिल्म में पहले ऐश्वर्या के साथ काम करने की तैयारी हुई थी, लेकिन हीरो का रोल नहीं मिला, जिसके कारण हीरो उनके लिए सही नहीं मिला, तो इस फिल्म को दीपिका और रणवीर के नाम किया गया। ये फिल्म सुपर हिट रही, रणवीर और दीपिका की करियर के लिए टर्निंग पॉइंट भी बनी। इसके अलावा भूल भुलैया की बात करें तो ऐश्वर्या राय बच्चन को भूल भुलैया जैसे फिल्म भी ऑफर किया गया। विद्या बालन जो इस फिल्म में सुपर हिट रही, कुछ कारण के चलते ऐश्वर्या राय बच्चन ही इस फिल्म से बाहर हो गए। इस फिल्म से कदम उन्होंने बढ़ा लिया बाहर की ओर और हुआ उन्हें बड़ा नुकसान, क्योंकि भूल भुलैया भी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। वहीं मुन्ना भाई MBBS जो संजय दत्त की सुपर डुपर फिल्म है, इस फिल्म में ऐश्वर्या को रोल मिला था, लेकिन संजय दत्त का उस वक्त बुरा दौर चला था और सिनेमा घर में फ्लॉप हो रही थी संजय दत्त की फिल्में, और ऐश्वर्या ने इसीलिए इन फिल्म को करने से मना किया संजय दत्त के साथ मुन्ना भाई MBBS को, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो ऐसे घमंड में रही कि उनका जो फैसला है वो उनके लिए सही होगा, और अफसोस वो फैसला गलत निकला, क्योंकि संजय दत्त की वो फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हो गई। ऐसी ही फिल्म करिश्मा कपूर और आमिर खान की है राजा हिंदुस्तानी 90s की, वो फिल्म जो सुपर हिट रही। इस फिल्म के लिए भी पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को ऑफर किया गया, लेकिन इस फिल्म को भी ऐश्वर्या अपने ही कारण की वजह से नहीं कर पाई। मिल गई ये फिल्म करिश्मा कपूर को और बल्ले बल्ले करिश्मा कपूर के लिए हो गई है, क्योंकि करिश्मा कपूर इस फिल्म में लाजवाब थी। ऐसी ही फिल्म है चलते चलते। इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या ने मना नहीं किया, लेकिन शाहरुख खान के बैनर में बनी फिल्म चलते चलते में ऐश्वर्या की शूटिंग शुरू हुई। सलमान के साथ ऐश्वर्या का रिश्ता बहुत तीखे मोड़ पर था। सलमान रोज सेट पर आकर हंगामा करते। शाहरुख ने इसलिए परेशानी न लेकर सीधा ऐश्वर्या को फिल्म से बाहर कर दिया और रानी मुखर्जी इस फिल्म में सुपर हिट साइन हुई। क्या आपको मालूम है कि ऐश्वर्या राय बच्चन को कॉरपोरेट फिल्म के लिए भी चुना गया था, जिसमें बिपाशा बसु नजर आई। ऐश्वर्या राय बच्चन को इस फिल्म के लिए चुना गया, लेकिन बिपाशा बसु के किस्मत में ये फिल्म उनकी किस्मत बदल बैठी। फिल्म को बड़ी स्टार मिल गई और बिपाशा बसु उस फिल्म के जरिए बड़ी स्टार बन गई, ऐश्वर्या की रह गई पीछे। एक और फैसला उनका उन्हें बर्बाद कर गया। ऐसी ही फिल्म है दोस्ताना। दोस्ताना धर्मा प्रोडक्शन की दोस्ताना फिल्म, प्रियंका चोपड़ा वाला किरदार जो इस फिल्म के है वो ऐश्वर्या को चुना गया था। अभिषेक और जॉन अब्राहम के बीच ऐश्वर्या को चुना गया, लेकिन अफसोस ऐश्वर्या राय बच्चन की किस्मत तो खराब ही थी, ऐश्वर्या इस फिल्म में भी नजर नहीं आई। वहीं बात करेंगे फिल्म हीरोइन की, जिसमें करीना कपूर खान के काम की काफी तारीफ की गई। इस फिल्म में भी पहले ऐश्वर्या थी। मधुर भंडारकर की इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या को मधुर ने चुना, लेकिन उस वक्त ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी की खबर आने के बाद मधुर ने उन्हें फिल्म से बाहर किया। ऐश्वर्या खुद इस फिल्म से बाहर गई। कहा जाता है कि मधुर भंडारकर जो है ऐश्वर्या से काफी नाराज थे और अमिताभ ऐश्वर्या के पक्ष में आए, क्योंकि ऐश्वर्या का कहना था कि उन्हें भी नहीं मालूम था कि ऐसी कुछ चीजें होने वाली हैं, वो फैमिली प्लानिंग के लिए इस तरह से अचानक से तैयार हो जाएंगी। इस तरह से ऐश्वर्या की करियर में बर्बादी के मोड़ लगातार 10 साल तक आते रहे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में, क्या कहती है ये रिपोर्ट और क्या कहती है उनकी गलतियां। ऐसी गलतियां बाकी स्टार किड्स को नहीं करनी चाहिए और सीख लेने की जरूरत है सभी को ऐश्वर्या की इन गलतियों से। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहे बी टाउन की हर खबर हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।